इसमें हमने इफ एल्स पढ़ाई की थी, उसी को कॉपी करके 06 कंडीशन चेकिंग और ग्रेड बना दिया, क्योंकि अब आज हम इफ एल्स की उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और हम ग्रेड निकालना सीखेंगे। हम यूज़र से दो इनपुट लेंगे कि उसके कितने मार्क टोटल थे और उसमें से कितने आए। सही है, ग्रेड लगाया बढ़िया। एक्सटर्नल एक ही बात है, इसको मैं उठा के एक्सटर्नल भी कर दूँ कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी मैं सेम फाइल में इसलिए कर रहा हूँ, छोटा छोटा कोड है ना हमारा, इसलिए सेम फाइल में करता हूँ ताकि क्या उसको बोलते हैं कि फॉलो अप करने में आसानी हो आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर बैक एंड फोर्थ में दो फाइलों में जाऊँगा ना जब, तो वो जब बड़ा कोड होता है उसमें फ़ायदेमंद रहता है, वो छोटे कोड में ना ये मतलब पढ़ाने के दौरान मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है फॉलो अप रखना इस तरह ना सेम पेज पर जब हो। बिल्कुल, असूलन तो एक्सटर्नल ही ज़्यादा सब लोग रेकमेंड करते हैं, ठीक है, आप एक्सटर्नल यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है वो, क्योंकि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो दो तीन फाइलों से भी कनेक्ट हो जाती है, एक ही जावास्क्रिप्ट लिखेंगे दो तीन फाइलों से कनेक्ट हो जाती है, लेकिन मेरे स्पेसिफिक केस में एक ही फाइल है, छोटा सा साइन मैं बना के डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो बेहतर ये है कि आप एक्सटर्नल यूज़ करें, ठीक है, लेकिन ये वाला भी करना चाहें तो आप कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तो देखिए ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह की चीज़ है, देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस पे जब हम जाते हैं, जब हम बेसिक हमारी पूरी हो जाए, तो अभी जब तक आपकी बेसिक पूरी नहीं होती ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह की चीज़ है, तो वेल अभी से फॉलो करें तो अच्छी बात है, बट ना भी करें कोई तो कोई मसला नहीं है ऐसा, बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना ज़रूरी है शायद। अच्छा, तो ये हम सारा कोड यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और जहाँ पे मैंने इनपुट लिया हुआ है, अच्छा इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको ओपन कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे दो इनपुट लेने हैं यूज़र से, व्हाट वाज टोटल मार्क, ठीक है, टोटल मार्क हम पूछ लेते हैं उससे कि भाई क्या था। अच्छा, टोटल मार्क में प्लेस होल्डर में लगा देता हूँ 850, जस्ट इन केस, ये कोई भी एक नंबर है, मतलब बंदे को पता चले गया एक नंबर यहाँ पे इनपुट देना है। अच्छा, फिर साथ में मुझे एक और भी चाहिए इनपुट, हाउ मच, व्हाट वाज योर स्कोर, मुझे एक लाइन ब्रेक करनी चाहिए इसमें, सही है, यहाँ पे एक लाइन और ब्रेक करनी चाहिए मुझे बटन से पहले, सही है, गुड इनफ लग रहा है। अच्छा, व्हाट वाज योर स्कोर में 550 लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया। अब ये मेरे इनपुट का जो सेटअप है ना वो ऑलमोस्ट रेडी है, मेरे पास दो अलग इनपुट बॉक्सेस हैं, एक में टोटल मार्क्स हैं कि व्हाट वाज द टोटल मार्क, अभी लेबलिंग इसकी आप मुख्तलिफ रख सकते हैं ऑडियंस को देखते हुए, मतलब अगर कोई जैसे बच्चों को आमतौर पर टोटल मार्क्स ज़्यादा सेंस लगता है, जो बच्चे होते हैं यानी जो स्कूल वगैरह के और कॉलेजेस के, उनको टोटल मार्क्स ज़्यादा लगता है, ठीक है, या नीचे व्हाट वाज योर स्कोर में ऑब्टेन्ड मार्क उनको शायद ज़्यादा सेंसेबल लगता है, क्योंकि वो एक खास वर्ड देखते हैं, तो अपनी ऑडियंस के हिसाब से लेबल आप कुछ भी रख सकते हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। अभी जो मेरे समझ में आया वो मैंने लेबलिंग कर दी। अच्छा, अब इस पर जब क्लिक होगा तो एक सबमिट का एक अदद क्या है मेरे पास, बटन है। अच्छा, अब मुझे ना इसमें दो तीन छोटे छोटे काम करते हैं, सब में पहले तो जब ये क्लिक हो तो मुझे ये जो फंक्शन रन हो रहा है इसके अंदर उन दोनों इनपुट्स को क्या करना है, पकड़ में लेना है। अच्छा, एक इनपुट वन तो पकड़ में आ गया है, अच्छा इसका मैं नाम रख देता हूँ टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स मैंने इसका नाम रख दिया, और इनपुट वन, चलो ठीक है इनपुट वन ही उसकी आई डी रहने देते हैं, दूसरे की आई डी क्या रखी जाए, इनपुट टू, इनपुट टू रख दिया मैंने दूसरे की आई डी। अच्छा, और इनपुट टू का जो नाम है वेरिएबल का वो मैं शायद रख देता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, सही है, इनपुट टू, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इनपुट टू को कंसोल करवा दिया, सॉरी इनपुट टू तो नहीं होगा ना अब इसका नाम,
और इसका नाम होगा ऑब्टेन मार्क। सही है, तो टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क जो भी बंदे ने एंटर किया होगा वो मैंने वेरिएबल में उसको पकड़ भी लिया, उसको कॉन्सोल भी करा दिया। अच्छा, ये किस फॉर्म में मिलेगा मुझे, नंबर में या स्ट्रिंग में? स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगा हमेशा। अब कौन मुझे बताएगा इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करूँगा? अच्छा, जब मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, जी जी दोस्त क्या कह रहे हैं? हाँ, प्लस भी हम लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर दो पॉसिबिलिटी ये है कि बंदे ने कुछ उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ, नंबर ना लिखा हुआ, तो वो NaN बन जाता है। NaN का मतलब नॉट अ नंबर, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वैल्यू है, जैसे इन्फिनिटी के नाम से भी एक वैल्यू होती है, तो NaN बन जाता है। NaN फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है? तो हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन द फर्स्ट प्लेस यूज़र को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई आपको क्या करना है, नंबर ही इनपुट देना है, आप नंबर के अलावा कोई चीज़ इनपुट यहाँ पे नहीं दे सकते। अच्छा, फिर जो चलो ये तो मैंने टाइप नंबर लिख दिया, तो बाई डिफ़ॉल्ट नंबर के अलावा उसमें कुछ लिखाएगा नहीं। अगर वो ज़बरदस्ती कुछ और लिख देता वो एक अलग बात है, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट से जाके उसको कुछ और लिख दे वो, लेकिन वो एक नॉर्मल यूज़र नंबर के अलावा उसमें कुछ भी टाइप नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, मुझे ये ज़रूरी है कि दोनों ही मुझे वैल्यूज चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हो तो मैं प्रोसीड नहीं करना चाहूँगा। दोनों होगी तो मैं कुछ बता पाऊँगा, वरना मैं क्या बताऊँगा। अब इसका क्या हल है ये बताओ। इनपुट में मैंने क्या लिख दिया, रिक्वायर्ड। अच्छा, तो अब इससे क्या होगा, जब तक बंदा इनपुट नहीं देगा जब तक सबमिट नहीं होगा, करके देख लेते हैं। अच्छा, अगर सबमिट का बटन काम कर जाए तो ये कॉन्सोल आने चाहिए फिर, ठीक है? तो मैं एक को खाली छोड़ के सबमिट का बटन दबाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने इसमें लिखा 550 और इसको मैंने खाली छोड़ दिया और चेक का बटन दबाया, ये तो चल गया। अब ये क्यों चल गया, HTML पढ़ चुके हो सब लोग, बताओ क्यों चला ये? जिसमें इनपुट, नहीं रिक्वायर्ड तो इसी तरह लिखा जाएगा जी, प्लेस होल्डर वाली वैल्यू तो नहीं ली उसने, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो खाली आया। देखो ये देखो, टोटल मार्क में 550 आया, ऑब्टेन मार्क खाली आया और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि ये जो इनपुट बॉक्सेस मेरे पास हैं, ये जब तक फॉर्म के एलिमेंट में नहीं होगा ना ये काम नहीं करेगा। ये रिक्वायर्ड, ये छोटी मोटी वैलिडेशन, ये हम HTML में कवर कर चुके हैं बड़ी डिटेल में पहले, तो ये काम नहीं करेगा। तो अब हम जल्दी से क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं एक अदद फॉर्म, ठीक है? और फॉर्म को कट करके यहाँ से जो इसका ख़त्म होने वाला है वो मैंने यहाँ लगा दिया। अच्छा, फॉर्म के अंदर अगर एक ही बटन हो अगर, तो बाई डिफ़ॉल्ट वो बटन सबमिट का बटन कंसिडर किया जाता है, ठीक है? अच्छा, अब बताओ क्या ये फॉर्म अब चल जाएगा बगैर वैल्यू एंटर किए हुए, या इसमें अभी भी कुछ मिस्टेक है? HTML पढ़ चुके हो सब लोग, बताओ इसमें कुछ चीज़ कम तो नहीं है? चला के देख लेते हैं, कम तो है वैसे एक दो चीज़ें, चला के देखते हैं। वेल, ये क्या हुआ, ये तो पेज मेरा जूम आउट हो गया। पेज रिफ्रेश हो रहा है, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ सबमिट तो वो हो जा रहा है, ठीक है? सबमिट हो रहा है, सबमिशन पे ना वो पेज रिफ्रेश हो जाता है असल में। अच्छा, तो मैंने रिक्वायर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, ये फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है,
ये तो नहीं होना चाहिए। अब तो मैंने फॉर्म का टैग भी लगा दिया इसमें। एक्शन तो वैसे भी नहीं लगाते हम। अब इसमें असल में होगा ये कि ये जो बटन है ना, इस पर मैंने ऑन क्लिक लगाया हुआ है, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। वंस जब आप फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो इसको मैं कट करूँगा यहाँ से और कहाँ पे लेकर आऊँगा, फॉर्म के अंदर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑन सबमिट। कि अब ये बटन, अब ये फंक्शन कब चलाना है, बटन के क्लिक पे नहीं चलाना, फॉर्म की सबमिशन पे चलाना है। ये बटन की क्लिक पे अब नहीं चलाना, फॉर्म की सबमिशन पे चलाना है। अच्छा, बटन पे फिर आज हम क्या बोलेंगे कि बटन की जो टाइप है वो है सबमिट। कि जब ये बटन दबाऊँ तो फॉर्म सबमिट होना चाहिए। अच्छा, फॉर्म जब मैं बटन प्रेस करूँगा ना, फॉर्म सबमिशन, तो उस पर फिर ये रिक्वायर्ड को चेक करेगा, फिर ये बोलेगा नहीं भाई इसमें वैल्यू लिखो, अब मैं आपको सबमिट करने नहीं दूंगा। इससे पहले हो रहा क्या था, इससे पहले हो रहा ये था कि फॉर्म को पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से क्या चीज़ कैसे हो रही है। बटन एक ही था बाई, अच्छा ये अगर सबमिट में ना भी लगाऊँ ना तो ये सही चलेगा, क्योंकि अगर एक ही बटन हो ना फॉर्म के आखिर में तो उसको बाई डिफ़ॉल्ट वो सबमिट का ही कंसिडर करता है, लेकिन लगा देना बेहतर है। अगर लगा दें हम तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ना भी लगाएं तो वो चलता सही है। अब जब मैं इसको बगैर वैल्यू दिए एंटर करूँगा कोई भी चीज़, तो इसको मोस्ट प्रॉब्ली मुझे अब रोक देना चाहिए, अगर मैंने स्टिल कोई इसमें गलती नहीं की है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा 850 और चेक का बटन दबाया, रोक दिया इसने मुझे, ठीक है। तो फॉर्म जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा ना, मतलब कंप्लीट का मतलब बेसिक पूरी चीज़ें उसमें नहीं होंगी, जब तक वो काम नहीं करेगा। अच्छा, अब मेरे पास ये जो बटन पर क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, ठीक है। इसको मैसेज को आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें टाइटल करके मोस्ट प्रॉब्ली शायद एक होता है, टाइटल करके आप कुछ भी इसमें लिख देंगे ना तो वो फिर वो वाले टेक्स्ट को शो करने लग जाता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है अभी। वेल, अभी मैं भूल रहा हूँ कि उसका नाम क्या था, वो आप अलग से गूगल से देख लीजिएगा कि ये मैसेज भी लगाने का इसमें ऑप्शन होता है, तो आप वो टाइटल करके या पता नहीं क्या टेक्स्ट करके कुछ होता है वो दे देते हैं आप, तो वो आपकी मर्ज़ी का भी मैसेज आ जाता है कि भाई प्लीज़ एंटर योर ऑप्टेंड मार्क हेयर, इस तरह करके जो भी। वेल, स्टिल अगर इतना भी वो लिख दे रहा है कि प्लीज़ फिल आउट, तो हमारा काम हो गया, अब वो इसको सबमिट नहीं कर पाएगा। ज़बरदस्ती करे अगर वो एक अलग बात है, जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट्स इसमें से रिक्वायर्ड हटा दे और फिर सबमिट करे, हो जाएगा वो, ठीक है। ज़बरदस्ती अगर ना करे, एक नॉर्मल बंदा उसको बगैर वैल्यू दे सबमिशन उसकी नहीं कर सकता। तो ये हमने क्या लगा दिया, एक लेवल ऑफ वैलिडेशन हमने लगा दिया, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट्स लगा दी हमने जो वैलिडेट करेगा मेरे इनपुट को। मेरा इनपुट जब मेरे जावास्क्रिप्ट में पहुंचेगा तो उससे पहले ये मेक श्योर करेगा कि ये इन पैरामीटर्स पे पूरा उतरता हो। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है ना, मैं कुछ और भी पैरामीटर्स लगा सकता हूँ, जो अभी मैं फ़िलहाल उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको बता देता हूँ, उसको हम कहते हैं रेजिक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि टोटल मार्क माइनस में ना हो। टोटल मार्क माइनस में तो नहीं हो सकता ना यार, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, फिर जो इनपुट है वो भी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, टोटल मार्क ज़ीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो टोटल कैसे हो सकता है, एटलीस्ट वो ज़ीरो से बड़ा होगा। ऑब्टेंड मार्क ऑन अदर हैंड ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं हो सकता। तो अब ये चीज़ें कैसे मैं वैलिडेशन लगाऊँ, चलो ये तो मैं लगा दूंगा कि माइनस में नहीं, तो यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन करके उसमें मैच करके एक आ रहा होता है, मैं भी भूल रहा हूँ कि उसका क्या कीवर्ड था, ठीक है, वो भी हम ज़रा रेजेक्स भी थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैटर्न के नाम से ट्राइड योर सेल्फ, पैटर्न 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 टेक्स डॉट मैच, नहीं ये डायरेक्ट इनपुट के ना उसमें भी लग जाता है, उसका भी कोई वो है, वो डायरेक्ट इनपुट बॉक्स में भी लग जाता है ये। वेल, रेजेक्स में क्या होता है कि आप एक पैटर्न बता देते हैं जिसमें ना क्या होता है कि स्पेसिफिक किस्म की कोई वैल्यू आप ऐसे उसको सर्टेन कर देते हैं कि भाई इसके अलावा नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ छोटी ABCD में लिखा जाए, तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा, ठीक है, कि भाई ऐसे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ABC लिख दो। अच्छा, और 0 से 9 तक अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ नंबर ही लिखे 0 से 9 तक हो, तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा, ठीक है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे इसमें ऑपरेटर्स मौजूद हैं, अब ये इटसेल्फ काफ़ी
एक पूरा इसके अंदर एक क्या उसको बोलते हैं, पूरी एक दुनिया है ये। अच्छा रेजेक्स के बिल्डर्स भी हैं, रेजेक्स बिल्डर, यहाँ पे आप क्या करते हैं रेजेक्स बना भी सकते हैं। आप जब बनाएंगे ना तो ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप क्या लिख रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो इन टूल्स को भी प्लीज़ वो कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। तो इस तरह ड्रैग ड्रॉप करके ना रेजेक्स बनाने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मिसाल के तौर पे आप उसमें क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं अल्फ़ाबेट्स कि भाई 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हों, ठीक है। और आपका जो जैसे पासवर्ड्स होते हैं आमतौर पर उसमें वो क्या कर रहे होते हैं, ओ आपको अलाउ नहीं करते समटाइम, या 0 अगर लिखते हैं तो 0 और ओ को सेम कंसिडर करते हैं। वो सारी चीज़ें इसी के ज़रिए हो रही होती हैं, ठीक है। पासवर्ड क्योंकि जब आप टाइप करते हैं लिखते हैं तो 0 और ओ एक जैसा दिखता है, ठीक है, या आई और 1 एक जैसा दिख रहा होता है। तो कैपिटल लेटर का आई और 1 को एक ही कंसिडर करते हैं वो, ठीक है। आई को, एल को, स्मॉल लेटर एल और कैपिटल लेटर आई, इन तीनों को एक कंसिडर करते हैं। कुछ ऐसी जगह अब तो नहीं नज़र आता इतना, लेकिन एक टाइम पर ये चीज़ें बहुत कॉमन थी, अभी भी हैं भाई दादा। तो ये रेजेक्स करके भी ना आप यहाँ पे एक पैटर्न लगा सकते हैं इसी में। अभी उसका मैं नाम बोल रहा हूँ वो कैसे करके लगाते थे, वो आप देखेंगे बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। अच्छा वेल, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पे रोक नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इस तरह करके नहीं रोक सकता कि ऑप्टेन मार्क बड़ा हो और स्कोर छोटा हो। ऑप्टेन मार्क हमेशा बड़ा ही होगा, स्कोर छोटा होगा या तो इक्वल होगा। चलो बहुत अच्छा बंदा था, 100 में से 100 ले लिया उसने तो इक्वल होगा, लेकिन ऑप्टेन मार्क ऊपर नहीं जा सकता। तो ये वाला काम ना मैं रेजेक्स के जरिए भी नहीं कर सकता, फिर उसको मुझे जावास्क्रिप्ट में हैंडल करना होगा, ठीक है। अच्छा तो वेल, जितनी मैं इसमें वैलिडेशन लगा सकता था वो मैंने लगा दी। अब ज़रा इसको एक चीज़ और इसमें देखते हैं। अभी भी जब मैं इस पर टाइप करूँगा ना कुछ, और टाइप करके जब इस पर सबमिट करूँगा तो ये पेज रिफ्रेश करेगा। अभी तक तो नहीं किया इसने, ये मेरा पेज रिफ्रेश करेगा, पेज रिफ्रेश कर रहा है। अब इसका एक हल है छोटा सा इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम ये पढ़ रहे हैं उस लेवल पे एक छोटा सा हल है उसका, कि हम यहाँ पे कह देते हैं ये एक मैं नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, वैसे तो थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये चल गया तो अच्छी बात है। ये मेरा फंक्शन ही नहीं चलने दे रहा। वेल, ये जो मेरा सबमिट का फंक्शन है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, और सबमिट के फंक्शन के लास्ट में बिल्कुल लिखूंगा मैं रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सबमिट के फंक्शन के बिल्कुल लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न फॉल्स। यार एक चीज, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, पता नहीं रैंडमली बीच में बंद हो गई वो किसी, वेल आधी अधूरी रिकॉर्ड हुई है आज की क्लास। देखूंगा अगर सही होगी रिकॉर्डिंग तो अपलोड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। कोड पुश कर दूंगा मैं, कोड का तो इशू नहीं है। अच्छा इसमें मेरा ख्याल है हमने जो वैलिडेशन लगा ली है वो गुड इनफ हो गई है, इसको हमने अच्छी तरह डिस्कस भी कर लिया है। अच्छा वैलिडेशन टेक्स्ट हम इसका नाम रख लेते हैं, इसकी आईडी का, और इसमें हम इसको डिस्प्ले करा देते हैं। अच्छा इसमें थोड़ी सी ना स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। मैंने कहा भाई स्टाइलिंग हम पढ़ चुके हैं सब लोग। मैंने कहा भाई कलर रेड, ठीक है, मतलब थोड़ा लाल कलर में आपको दिखाएगा ये मैसेज। लाल कलर का भी कोई अच्छा सा शेड हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ब्लैक ही होगा वो, लेकिन थोड़ा सा रेड का शेड हमने कर दिया, ठीक है। थोड़ा मरून सा आएगा, ये कम हो गया, चलो थोड़ा और कर देते हैं, थोड़ा और ब्राइट कर देते हैं इसको, सही है, थोड़ा और ब्राइट कर दिया। तो ये रेड कलर में एक टेक्स्ट हमें डिस्प्ले हो रहा होगा। अब इस पॉइंट पे सारी वैलिडेशन करने के बाद मैंने कहा कि इफ अगर टेक्स्ट है, ठीक है, इफ टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट को शुरू में हमने क्या रखा था, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अभी तक अगर टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये इफ चलेगा ही। तो मैंने कहा इफ टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट मौजूद है तो क्या करो, ये करो कि आपका डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर वैलिडेशन टेक्स्ट डॉट इनर एचटीएमएल टेक्स्ट, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल नहीं, इनर टेक्स्ट कर देते हैं इसको हम। इनर एचटीएमएल में और इनर टेक्स्ट में फ़र्क ये है
कि आपका जो इनर HTML है ना, उसको मैं HTML भी दूंगा तो वो HTML की तरह उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अगर मैंने उसको H1 दे दिया तो वो, यानी मिसाल के तौर पे अभी ये क्या था, ये मेरे पास एक आता पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ में मैं H1 अगर डिस्प्ले करा दूँ तो क्या उसको टेक्स्ट की तरह H1 का टैग बना के दिखाए या H1 के एलिमेंट बना के दिखाए। तो इनर टेक्स्ट और इनर HTML में ये फ़र्क है। तो अब ज़रा चलते हैं भाई और इसमें से एक दो को ज़रा हम चला के देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि -1 टोटल मार्क और मैंने कहा कि 11, तो ये मुझे इसने शो करा दिया कि ऑप्टेन मार्क कैन नॉट बी ग्रेटर देन टोटल मार्क। मैंने कहा चलो भाई इसको ना टोटल मार्क को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ऑप्टेन मार्क को क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं, ठीक है। प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर टोटल मार्क्स। अच्छा ये मैसेज मेरे ख्याल है थोड़ा आगे पीछे हो गया है, टोटल में जो है ना ऑप्टेन और ऑप्टेन में टोटल लग गया है। अच्छा दोनों में ही टोटल लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स, ये मैसेज मैंने सही कर दिया। तो वेल अब ये तीसरा वाला है, तीसरा वाला क्या है कि आपका ऑप्टेन मार्क छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए। मैंने कहा भाई 10, मैंने 8 में से 10 लिए हैं, 8 में से 10 अगर मैं लूँगा तो थोड़े ये तो लगा ही नहीं, ये क्या हुआ, टोटल मार्क 8 और ऑप्टेन मार्क 10, ये तो चल गया। अब इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है ना, जब ही तो चल गया ये। बताओ इसमें क्या गड़बड़ है, सिर्फ में टोटल मार्क छोटा हो ऑप्टेन मार्क बड़ा हो, ये तो उल्टा कर दिया ना हमने, सही है। तो इसके साइन को हम उल्टा कर देते हैं, ये लॉग सही हो गया ये, कि अगर टोटल मार्क बड़ा हो जाए किसी भी वजह से और ऑप्टेन मार्क छोटा हो जाए तो आपको ये एरर का मैसेज देना है, ठीक है। आओ ज़रा चेक करते हैं। मैंने कहा मैंने 8 में से लिया है 10 और चेक किया तो ये मुझे एरर दे रहा है, सॉरी नहीं, वो पहले गलत था अभी सही कर दिया ना मैंने। यार अभी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैंने गलत कर दिया है सही कर दिया, एक मिनट ना, 8 में से 10 ले रहा हूँ तो एरर दे रहा है, सही तो दे रहा है, चल सही रहा है लेकिन कंडीशन तो ये वही वाली बात आ गई कि चल क्यों रहा है। एक पॉइंट होता है ना जब हम बोलते हैं ये चल क्यों नहीं रहा, थोड़ी देर पहले वो पॉइंट आया था, कोड सब कुछ सही था बिल्कुल चल रहा नहीं था, लेकिन अब ये तुम कह रहे हो ये चल क्यों रहा है। टोटल मार्क बड़ा हो और ऑप्टेन मार्क छोटा तो सही है ना, होना भी तो यही चाहिए, सही तो है, मतलब कोड चले लेकिन ये कंडीशन उल्टी लगी हुई है उस पर सही कैसे चल रहा है। नहीं ना साइन चेंज करने, साइन पहले सही लगा हुआ था, ये साइन सही लगा हुआ है कि टोटल मार्क छोटा नहीं हो सकता, ऑप्टेन मार्क बड़ा नहीं हो सकता, कि मैंने ये लिखा था पहले सही लिखा था मैंने, टोटल मार्क अगर छोटा हो जाए और ऑप्टेन मार्क, यानी टोटल मार्क के कितने थे टोटल, यानी मिसाल के तौर पे 10 थे टोटल मार्क, 10 थे, अभी ऑप्टेन मार्क बनने वाला 12 लिए मैंने 10 में से 12 लिए हैं तो ऑप्टेन मार्क बड़ा हो गया। तो ऐसी सूरत में अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है, ऐसा कंडीशन आती है तो मुझे ये एरर का मैसेज दिखाना था, ठीक है, ये मुझे एरर का मैसेज दिखाना था। अच्छा अब इसको चेक करते हैं जाके यहाँ पे। मैंने कहा भाई मैंने 10 में से लिया है 12 और चेक का बटन दबा रहा हूँ तो ये दिखा रहा है, दिखा दिया अब तो इसने, अब तो सही दिखा रहा है, पहले क्या हुआ था उसको समझ में नहीं आया क्यों चल रहा था। वेल ये अच्छी बात है कि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अच्छा एक दो दफा रिफ्रेश कर लेते हैं ज़रा और इसको कैशे एम्प्टी कर लेते हैं। मैंने कहा भाई मैंने 10 में से लिए हैं 12 और चेक सही है, सही पकड़ रहा है, एरर पकड़ रहा है। अच्छा फिर मैंने बोला मैंने 15 में से लिए हैं 12 अगर, तो अब ये सही है। अच्छा चूंकि मैंने उसको एम्प्टी नहीं करवाया उस पैराग्राफ को, इसलिए स्टिल ये मुझे एरर शो कर रहा है, तो उसको एम्प्टी भी कराना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा कि भाई अगर टेक्स्ट एल्स में क्या कर दिया मैंने, मुझे यहाँ पे एक अदर एल्स भी लगाना होगा जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इनर टेक्स्ट को क्या कर दो, खाली कर दो, ठीक है। जब अगली दफ़ा प्रेस करूँ मैं तो अगर इनर टेक्स्ट, सॉरी अगर कोई वैलिडेशन में एरर पकड़ में नहीं आया है तो इनर टेक्स्ट को खाली भी मुझे करवाना है,
अदरवाइज वो शो ही करता रहेगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा वहाँ से। अब मैंने कहा मैंने 15 में से लिया है 10, और मैंने कहा चेक सही है, अब मुझे एरर नहीं दे रही। लेकिन अगर मैं बोलूँगा मैंने 8 में से 10 लिया है तो फिर मुझे इसको अबे एरर अभी भी शो नहीं कर रहा। मैंने 8 में से 10 लिया ना, मैंने 8 में से 10 लिया तो एरर शो करना चाहिए ना, इसको क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा ये मुझे समझ में आ गया क्यों नहीं कर रहा है। ये इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे शुरू में इसको नंबर में कन्वर्ट करना था। ये तो इसका जो अभी पता है कैसे काम कर रहा है, ये अभी जो ये वाला काम कर रहा है ये ऐसे कर रहा है कि इसको दो नंबर मिल रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग में मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 8, एक मिल रहा है 10। अब अगर इस पे ये कंडीशन लगेगी तो ये कैसे चलेगा, कौन मुझे बता सकता है। ये इसका असल में ASCII कोड कंपेयर होगा, इसका डिक्शनरी ऑर्डर कंपेयर होगा, सही है। तो ये डिक्शनरी ऑर्डर से कंपैरिजन कर रहा है, असल में नंबर से ये कर ही नहीं रहा, क्योंकि नंबर में कन्वर्ट ही नहीं मैंने उसको किया अभी तक। तो मुझे सबसे पहले टॉप पे क्या करना है जाके, मैंने सबको पहले तो उसको टोटल मार्क्स को इक्वल्स टू ऐसे नंबर करके ना मैंने टोटल मार्क्स किया मैंने, ठीक है। और यही चीज़ मैंने ऑब्टेंड मार्क के साथ भी किया, ठीक है, यही चीज़ मैंने ऑब्टेंड मार्क के साथ भी कर दिया। अब जाके ये बना है नंबर और अब इसको बिहेव करना चाहिए सही। अब मैं बोलूँगा कि 8 में से मैंने लिया है 10, तो अब इसको प्रॉपर नंबर मिलेगा और अब इसमें मुझे सही बताया। अब मैं बोलूँगा भाई मैंने 11 में से 10 लिया है, सही चल गया। समझ में आया प्रॉब्लम कहाँ पे थी। अच्छा आते हैं अब उसमें और आगे। यहाँ पे हाँ यहाँ पे भी करवा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करेंगे। सही है, लेकिन असल में मैं अलग अलग लाइनों में इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोड समझने के अतबार से आसान रहे। वैसे मैं ये तीनों चारों काम एक लाइन में भी कर सकता था, लेकिन असल में अभी पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये कि चीज़ समझ में आए। अलग अलग लाइनों में लिखना आ जाएगा ना जब एक दफ़ा, तो फिर एक लाइन में भी लिखना सीख जाओगे। जब बार बार एक ही चीज़ लिखोगे ना हाथ सेट होगा तो बंदे को ऑटोमेटिक। जैसे देखो अभी मेरे वो हुआ ना कि यार ये दो दो जगह क्यों लिखते हैं, इसको एक ही जगह पे करके देखते हैं, तो मैंने चलाया वो चल गया, ठीक है। ऐसे ही मुझे ख्याल आया, मैंने कहा दो जगह क्यों कर रहे हैं, यहीं कॉमा डाल के फॉल्स लगा देते हैं ना, तो वो चल गया। तो इसी तरह जब तुम कोड लिखोगे ना तो तुम्हें खुद ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा यार ये काम एक लाइन में भी हो सकता है। दोनों वैल्यू अगर बराबर होंगी तब तो सही है ना, कि 100 में से 100 अगर मैंने लिया है तो तब तो सही है। अच्छा अब एक्चुअल यहाँ पे चीज़ आ गई है जहाँ पे मुझे वो ग्रेड कैलकुलेट करना है। हमारे पास अभी टाइम है काफ़ी। एक्चुअल हमारे पास जो है ना अब ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, पहले मुझे निकालना पड़ेगा परसेंट, पहले मुझे परसेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि ग्रेड तो निकलता है परसेंट से। अच्छा तो मैंने कहा कि लेट्स परसेंट, ठीक है, परसेंट का एक मैंने लिया और मैंने कहा ऑब्टेंड मार्क डिवाइड बाई टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये एक 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 क्लासिक फार्मूला है किसी भी चीज़ के परसेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो भी बंदे ने लिखा होगा 850 में से 550 लिए हैं अगर उसने, या 15 में से 10 लिए हैं, जितने में से भी जितना लिया है तो उसका परसेंट मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ज़रा इस परसेंट को भी मैं क्या करता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ मैं, ठीक है, परसेंट परसेंट। अब ज़रा हम जल्दी से इसको इतने को चेक करते हैं कि 850 में से 550 जो है वो परसेंट कितने होते हैं, 64 point something परसेंट होते हैं ये, ठीक है। नहीं 550 नहीं आए थे मेरे, ज़्यादा आए होंगे क्योंकि 64 में तो बी बनता है ना, बी नहीं था मेरा, कुछ ए वे कुछ था इस तरह का। वेल तो ये मैंने परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब ये जो परसेंटेज है इसके ज़रिए मुझे ग्रेड कैलकुलेट करना है। अच्छा तो ग्रेड का सबसे पहले तो टेबल बना लेते हैं कि भाई ग्रेड कौन सा ग्रेड कितना होगा।
तो यहाँ पे आके ना मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ अलग से मैंने बना लिया, मैंने कहा ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कहा कि भाई पासिंग मार्क इज 60, ठीक है। अच्छा ये मुझे किस में लिखना चाहिए, ये मुझे ऑर्डर लिस्ट में लिखना चाहिए अनऑर्डर लिस्ट में? मेरे ख्याल है अनऑर्डर में लिखना चाहिए, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में मैं लिखना चाह रहा हूँ, चार या तीन पॉइंट्स हैं वो, तो मैंने कह दिया अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम। और पहला लिस्ट आइटम में मैंने क्या कहा, पासिंग मार्क इज 60। अच्छा अब अगले पे मैंने बोला कि 60 से लेके 69 तक क्या है, ग्रेड बी ए, ठीक है। और उसके बाद 70 से लेके 79 तक जो है वो क्या है, ग्रेड ए है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि 80 से लेके 89 तक जो है वो 100 तक, अच्छा 80 से लेके पूरा 100 तक ए प्लस होता है फिर? नहीं तो ए तो अभी आ गया, अभी ए प्लस में क्या है, ए प्लस प्लस, नहीं मुझे समझ में आ गया, स्केल में कुछ गड़बड़ की है, सी ग्रेड भी तो होता है ना इसमें, तो ये सी था असल में ये वाला, सही है। अच्छा सी वो होता है, नहीं मेरा सवाल ये है कि 90 से लेके जो है 99 तक, चलो 100 तक बोल गए, ठीक है ए वन होता है ये तो मुझे पता है कि 9 क्या होता है, ये 80 से 100 तक होता है। अच्छा 89 ये मतलब लास्ट के दो जो वो हैं दोनों सेम है, ए वन है, ठीक है। तो फिर हम इसको हटा देते हैं इतने को, हम कहते हैं भाई 80 से लेके 100 तक कुछ भी आ गया आपका तो ए वन है। तो हमारे पास टोटल क्या है, चार टोटल हमारे पास कैटेगरीज हैं, तो हमारा जो स्टूडेंट है वो इन चार कैटेगरीज में से कहीं लाया कर रहा होगा, या तो वो क्या होगा ए वन होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, सही है। और अगर वो बी नहीं है तो फिर वो फेल होगा, सही है, बी से नीचे वो 60 से नीचे फेल होगा वो। तो ये चार टोटल कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हमारा स्टूडेंट लाया कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है ना इसकी, वो एक तो ये हमने कर लिया यहाँ पे, ज़रा इसको चेक भी कर लेते हैं, वो जिस तरह से मुझे यहाँ पे ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्ले भी मैंने करवा दी है यार, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें परसेंट भी लगा देना चाहिए, क्या ख्याल है? अरे 33 नहीं होता, 33 अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था, सही है। मैंने कहा परसेंट परसेंट का हिसाब है, सबके आगे मैंने परसेंट लगा दिया। अच्छा अब ज़रा देखते हैं हम यहाँ पे आगे, मुझे ना यहाँ पे अब एक आदत लगाना है, इफ़ ये नीचे वाला कोड ना इररिलेवेंट है, इसको हटा देता हूँ, ये पुराने वाले का। अब मैं सबसे पहले इफ़ में क्या बात लिखूँ, चारों में से कौन सी चीज़ सबसे पहले चेक करूँ मैं, इसकी मैं ट्रिक सिखाता हूँ तुम लोगों को, ट्रिक क्या सिखाता हूँ, क्लासिक है पूरी दुनिया में यही चलता है, ठीक है। पेंट लिखा मैंने, अबे भाई एक तो ये पेंट लिख रहा हूँ वो क्या आ रहा है, पेंट जेएस, ऐसी कोई भी ड्राइंग की है तो पेंट की बात नहीं है, और यहाँ पर ना मैंने चट्रक कर दिया, हाँ यार टिश्यू है तुम्हारे पास, थैंक यू सो मच, आप
में वो रखा था ना मैंने, पता नहीं लीक था क्या था वो। ये नहीं जाता भाई, बस चलो खैर थोड़ी देर के लिए क्लास। अच्छा अब ये मेरा स्केल है, ठीक है, नंबर जो है ना वो इधर भी इन्फिनिटी है इधर भी इन्फिनिटी है। अच्छा इमेजिन कर लेते हैं कि ये मेरा जीरो है, ठीक है, जो इनपुट मुझे नंबर मिल सकते हैं वो मुझे जीरो भी मिल सकता है, पॉजिटिव में कोई भी नंबर मिल सकता है, नेगेटिव का कोई भी नंबर मिल सकता है मुझे, ठीक है। तो ये मेरा इमेजिन कर लेते हैं हम जीरो है। अच्छा जीरो से नीचे वाले तो हम ले ही नहीं रहे नंबर, तो जीरो से नीचे वाले मेरे ऊपर ही रोक दिए मैंने, ठीक है, लेकिन जस्ट इन केस अभी मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि उसको भी क्रॉस करके जीरो भी आएगा मेरे पास नीचे, परसेंटेज वाली जगह पे जीरो परसेंट आएगा मेरे पास, ठीक है। वेल तो ये मेरे पास जीरो एक नंबर है। अच्छा उसके बाद मेरे पास जो माइल स्टोन्स हैं वो पहला है 60, ठीक है। अच्छा 60 से लेके कहाँ तक है वो, 69 तक है वो, ये 69 है मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से समझना। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन या तो मैं इस तरफ से शुरू करूंगा तो मुझे सबसे पहले 60 से नीचे नीचे वालों को फेल करवाना है, सही है, सबसे पहले मुझे 60 से नीचे नीचे वालों को फेल करवाना है। वेल अच्छा अगला माइल स्टोन मेरे पास क्या है, 79 है, 70 और मेरे पास आ गया 9, ये मेरा अगला माइलस्टोन है। अच्छा उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद 89 तो है ही नहीं, डायरेक्ट 100 है, ठीक है डायरेक्ट 100 है। अच्छा 100 से बड़ा नंबर मेरे पास आएगा नहीं, क्योंकि वो जो मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया ना उसमें 100 से बड़ा आएगा ही नहीं, वो जितना भी बड़ा नंबर होगा उसको स्केल करके 100 पे लाएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 100 से बड़ा नंबर मेरे पास नहीं आएगा, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं एज्यूम अगर चाहें तो। वेल अभी मैं नहीं कर रहा लेकिन वो एज्यूम, अभी एजम्पशन वो भी ना। अच्छा तो मुझे अब अपने इफ एल्स का जो चेन है वो ऐसा बनाना है कि ये पूरा स्केल कवर हो जाए, इस पूरे स्केल में कोई भी नंबर अगर आ जाए ना मेरे इफ एल्स की चेन में तो मेरा इफ एल्स का चेन फेल ना हो। तो सबसे पहले मैं इधर से भी शुरू कर सकता हूँ और मैं इधर से भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इधर से शुरू करूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 60 से नीचे नीचे वाले नंबर जो है ना सारे, एक कंडीशन उसकी लगाऊंगा कि अगर मेरा नंबर 60 से छोटा है तो उसमें 60 से छोटे जितने नंबर थे नेगेटिव भी कवर हो गया सारा, ये जो जीरो से नीचे के नेगेटिव नंबर है ना वो भी कवर हो गया सारा, ठीक है। तो ये वाला पूरा साइड मेरी क्या हो गई, कवर हो गई। अब मैं रेड कलर का एक पेन उठा लेता हूँ, अब जितनी साइड कवर होती जाएगी ना उस पर मैं मार्किंग करता जाऊँगा। तो मैंने सबसे पहले क्या लगाया, मैंने इस वाली साइड को कवर कर लिया, आ जाते हैं भाई कवर कर लेते हैं। मैंने कहा इफ परसेंट इज लेस देन 60, इसका मतलब है ये 60 से लेस पे ही वो कर रहा है, 60 इसमें शामिल नहीं है, 60 इटसेल्फ इसमें शामिल नहीं है, अगर परसेंट 60 होगा तो ये ट्रू नहीं होगा। अच्छा मैंने यहाँ पे बताया कि रिजल्ट इक्वल्स टू, क्या कर दूँ मैं इसमें, फेल कर देता हूँ। अच्छा रिजल्ट का वेरिएबल बना हुआ तो नहीं है ना, चलो यहाँ बना भी देता हूँ, ठीक है रिजल्ट का मैंने वेरिएबल बना लिया, मैंने कहा रिजल्ट इक्वल्स टू फेल। अच्छा अब मैं इसको चेन स्टेटमेंट बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है 3, 4, 5, 6 जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है कोई एक भी अगर ट्रू होता है तो बाकियों को मैंने चेक नहीं करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होती है इफ एल्स में, चेन स्टेटमेंट, जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं की है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा एल्स। अच्छा पहले हम क्या करते थे, ऐसे करके लगाते थे ना, पहले हम क्या करते थे, ऐसे करते थे एल्स और उसके अंदर कोई भी बात लिख देते थे। मैं यहाँ पे ना एक और इफ भी लगा सकता हूँ, एल्स इफ। अब ये जो एल्स इफ लगा है ना क्या होगा, पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो जाती है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, अगर ये फॉल्स होती है तो इस एल्स इफ को भी चेक करेगा। अब इस एल्स इफ में मैं अगली कंडीशन लगाने जा रहा हूँ, अगली कंडीशन मुझे ऐसी लगानी है कि ये वाला पार्ट पूरा कवर हो जाए,
ठीक है। अच्छा उसमें 60 भी आना चाहिए, 60 इटसेल्फ उसमें कवर होना चाहिए, आना चाहिए, और 69 तक उसमें कवर होना चाहिए, 70 नहीं आना चाहिए, 69 तक अगर आया तो वो ट्रू हो जाए। तो अब मैं क्या लगाऊँ सबसे पहले, मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि परसेंट जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 60 से बड़ा होना चाहिए, सही है, सही लिखा मैंने, 59 से बड़ा होना चाहिए, सही है। अब 59 से बड़ा ले मैंने लिखा है तो मतलब 60 पे ये ट्रू होगा, 60 को मैंने यहाँ पे ट्रू नहीं करवाया, ठीक है, 59 तक मैंने वहाँ पे हैंडल किया, पॉइंट में भी आएगा अगर, तो या तो वो 59.999 होगा तो वो तो इधर ही ट्रू हो जाएगा, नीचे पहुँचेगा ही नहीं वो, सही है, 59.999 फेल है वो, यस 60 है अगर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, परसेंट अगर बड़ा हो किससे, 59 से बड़ा होगा, क्योंकि अभी मैं कंपैरिजन ऑपरेटर दो ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। अभी वो इक्वालिटी भी है, इसमें तीन चार और भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़े दिन में, लेकिन अभी पोटेंशियल हम देख रहे हैं कि इसी एक ऑपरेटर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं। वेल तो मैंने कहा परसेंट अगर किससे हो, 59 से बड़ा हो, तो मैंने एक कंडीशन तो कवर कर ली, ये 60 को मैंने इसके अंदर ले लिया जो कि मैंने पहले वाले में नहीं लिया था, ठीक है। अब मुझे इसके साथ एक कंडीशन और लगानी है, मैंने कहा एंड, अब ये एंड भी हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया था, अभी इसको ऐसे ही देखें कि दो कंडीशन जब हमें दोनों एक साथ चाहिए होती है ना, कि ऐसा भी हो और ऐसा भी हो, दोनों साथ हो, तो हम एंड लगाते हैं, ठीक है। एंड को भी हमने डिस्कवर अभी तक नहीं किया, अभी हम करेंगे थोड़ी देर में उसको डिस्कवर। अच्छा अब मैं अगली बात यहाँ पे क्या लिखूँ, मुझे यहाँ तक लेकर आना है इसको 69 तक, 69 को भी नहीं शामिल करना है मैंने अभी इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। मैंने कहा परसेंट बड़ा हो 59 से, 59 से बड़ा हो गया, और परसेंट फिर लेस देन हो किससे, 70 से लेस हो गया, ठीक है। तो 70 से जब मैंने लेस लिखा है तो इसका मतलब है 70 इसमें शामिल नहीं हुआ है, 69 इसमें शामिल हो गया है, और ये बाउंड्री के दरमियान का कोई भी नंबर आएगा तो वो कवर हो चुका है, ठीक है। इस बाउंड्री के दरमियान का कोई भी नंबर आएगा वो कवर हो चुका है। अच्छा तो अगर ये वाली बात हो गई है तो इसमें हमने परसेंट क्या रखा है, ग्रेड, इसका ग्रेड बी रखा है हमने, सही है, यही रखा था ना, ग्रेड बी रखा था, देख लेते हैं 69 ग्रेड बी। अच्छा अब अगली कंडीशन जो हमें लगानी है उसमें मुझे 69 को शामिल नहीं रखना है, मुझे 70 से स्टार्ट करना है, यहाँ से इस जगह से स्टार्ट करना है, और ऑल द वे कहाँ लेके जाना है, 79 को भी मैंने शामिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 69 से बड़ा हो, ताकि 69 शामिल ना हो जाए ना उसमें, 69 तो मैं पहले वाले में शामिल कर चुका हूँ, 69 से बड़ा हो ये मैंने बात लिखनी है। तो मैं यहाँ पे एक else if और बना लेता हूँ, मैंने कहा परसेंट बड़ा हो किससे, 69 से बड़ा हो, ठीक है। तो मैंने 69 से बड़ा करके ना 69 के नीचे नीचे वालों को सारा हटा दिया। अब मेरी कंडीशन कहाँ से शुरू है, मेरी कंडीशन इस जगह से शुरू है, 70 से शुरू है, और ऑल द वे टू द 79 मुझे लेकर जाना है। तो मैं बोलूँगा किससे छोटा हो, 80 से छोटा हो, ताकि 79 तक कवर करे वो। मैंने कहा एंड क्या हो जाए, 80 से छोटा हो जाए, तो ये ग्रेड क्या हो गया आपका, ए हो गया, सही है। अच्छा एक और मुझे चाहिए, अब एक और मुझे चाहिए तो उसमें मैं क्या कवर करने जा रहा हूँ, उसको मैं 80 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और ऑल द वे टू द 100 उसको मैं लेकर जाऊंगा, या 100 से आगे भी निकल जाए, 100 से आगे वैसे आएगा नहीं, लेकिन जस्ट इन केस अगर निकल भी जाता है आगे तो वो भी उसमें कवर्ड हो, ठीक है। तो अब ज़रा एक चीज़ आप गौर से देख के बताएं कि मेरा जो स्केल था इसमें इस तरफ की पूरी वैल्यू कवर्ड है, क्योंकि मैंने बोला था 69 60, ये सब कवर्ड है, एक भी इसमें ऐसी वैल्यू नहीं है, पूरे मेरे जो रियल नंबर जो भी इसको बोलते हैं, यानी पूरा जो इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर इसमें वो नहीं हुआ हुआ अभी इस तरफ वाली साइड पर। तो अगर मैं लास्ट में बजाय इसके कंडीशन लगाने के कि भाई 79 से बड़ा हो और 100 से छोटा हो, ये करने के मैं जस्ट एल्स लगा दूं अगर, तो मेरा काम हो जाएगा,
ठीक है, मुझे अभी इतना बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आखिरी यही रह गया, अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है और आखिरी, तो मैंने एल्स पे इसको रख दिया। ठीक है, जितना भी यानी 79 तक, यानी अगर ऊपर से मेरा कंडीशन चली है और वो कहीं पे भी ट्रू नहीं हुआ, तो इसका मतलब साफ ये है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर हैंडल हुआ हुआ है, वो 60 से 69 नहीं हो सकता, वो भी ऊपर हैंडल हुआ हुआ है, वो 69 से 79 नहीं हो सकता, वो भी ऊपर हैंडल हुआ हुआ है। तो बचा अब आखिर में क्या है कि 79 से बड़े बड़े सारे नंबर बच गए और पूरे इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ जाए ना, तो ये मैं उसको 100% ही मानूंगा या उसको A1 ग्रेड ही मानूंगा। तो मैं बजाय इसके दोनों कर सकता हूँ, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। हाँ, वैसे मेरा जो फार्मूला लगा हुआ है वो मैं 100 से ऊपर जाने नहीं देगा। तो मैं एक तो काम ये कर सकता हूँ कि भाई एक और एल्स इफ लगाऊँ और इसमें बाकायदा मैं लिखूँ कि भाई परसेंट अगर जो क्या हो जाए मेरा बड़ा हो, सही है, 79 से, ठीक है, और छोटा हो 100 से, बल्कि 100 से नहीं 101 से छोटा हो, क्योंकि 100 तक A1 ग्रेड है, तो मैं उसको A1 ग्रेड बोलूँ। ठीक है, या तो फिर जस्ट मैं क्या कह सकता हूँ, मैं जस्ट एक एल्स लगा सकता हूँ इसकी रिप्लेसमेंट में, दोनों काम में कर सकता हूँ। ठीक है, इसको बल्कि हटा ही देता हूँ, एल्स ही रखते हैं, समझ में तो आ गया ना कि एल्स की जगह मैं वो भी लगा सकता हूँ, बट एल्स मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एल्स क्यों बेहतर है, ये कंडीशन लगा देता तो क्या होता, ये कंडीशन अगर मैं लगा देता तो ये होता कि मेरा CPU का साइकिल ना एक और घूमता, एल्स में CPU का साइकिल नहीं घूमता है ना, इफ़ चेक करेगा, इफ़ नहीं है तो एल्स चला देगा, यानी कंडीशन की चेकिंग में जो एक साइकिल घूमना था वो बच जाएगा मेरा। ठीक है, समटाइम साइकिल बचाना आपकी ज़रूरत होता है, समटाइम इतना मैटर नहीं करता ना, समटाइम जैसे आपका कोई मतलब इतना छोटा प्रोग्राम, जैसे ये प्रोग्राम है बहुत ही छोटा है, इसमें CPU का एक साइकिल बचाना कोई मसला नहीं है मेरे लिए, मतलब कोई सेंसेबल बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो एक एक बिट, एक एक वेरिएबल, एक एक CPU का साइकिल मैटर करता है। जैसे सर्वर्स जब हम लिखते हैं, सर्वर में आमतौर पे क्या होता है कि परसेंटेज निकालने की ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी, आप दो को इनपुट देते हैं, वो दोनों इनपुट के लेके सर्वर पे जाता है, वैसे तो सर्वर पे जाने का सेंस नहीं बनता, वहीं पे ही कैलकुलेट करके बता सकता है जैसे हमने किया हुआ है, लेकिन जस्ट इनकेस उनका कोई सोफिस्टिकेटेड किस्म का फार्मूला है, तो वो कोई प्रिडिक्शन का फार्मूला हो सकता है, ज़रूरी नहीं ग्रेड वाला हो, तो उस मे बी वो डेटा कलेक्शन के लिए उसको सर्वर पे लेके, वेल तो आपने, चलो इसकी नहीं किसी और चीज़ की मिसाल लेते हैं, डॉलर की प्राइस आपने दी अभी ही, आपने बोला भाई कल की प्राइस क्या होगी, तो वो सर्वर पे लेके गया, प्रिडिक्शन करेगा, प्रिडिक्शन का जो भी एल्गोरिथम है, अब एक ही सर्वर है, लाखों लोग उसी पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वहीं आके प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे मेरे लिए CPU साइकिल बचाना फिर सेंस है, मेक सेंस बात है। लेकिन जो ये वाला काम हो रहा है ना पर्सनल कंप्यूटर में, इस सॉफ्टवेयर को हर बंदा अपने अपने लैपटॉप में एग्जीक्यूट करेगा, अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने कंप्यूटर में करेगा, क्योंकि जैसे ही पेज खुलेगा पूरी जावास्क्रिप्ट कहाँ लोड हो जाएगी, फ्रंट एंड पे लोड हो जाएगी, यहाँ पे जो भी कंप्यूटेशन हो रही होगी उसका लोड किस पे होगा, फ्रंट एंड पे जो बंदे का CPU है, जैसे मेरे लैपटॉप का जो CPU है उस पे इसका लोड होगा, तो यहाँ पे शायद इतना ज़्यादा CPU साइकिल को नहीं देखा जाता आम तौर, क्योंकि आजकल बहुत हैवी किस्म के प्रोसेसर मौजूद हैं। ठीक है, वेल यहाँ पर भी देखें तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे तो दोनों जगह ही देखना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि प्रायोरिटीज़ कुछ और भी होती हैं, टाइम लिमिट्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है अब हम अगर इस तरह की चीज़ पे हम ज़्यादा इन चीज़ों में लग गए ना तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो टाइम इज़ मनी, तो टाइम भी बचाना ज़रूरी होता है आपको। तो हमने ना ये ग्रेड वाला सॉफ्टवेयर बना लिया, अब चल के ज़रा इसको अपने स्केल पर हम चेक करते हैं, इसमें कोई एरर वैसे शो कर रहा है कि कहाँ पर एरर शो कर रहा है, ओके ये कोई ब्रैकेट आगे पीछे कर दिए मैंने, अच्छा एक्स्ट्रा ब्रैकेट है ये, अच्छा यहाँ पे मैंने वो नहीं किया, डिस्प्ले नहीं किया रिजल्ट, रिजल्ट को डिस्प्ले भी कर लेते हैं, रिजल्ट के नाम से मेरे पास एक वो था ना, हाँ ये रहा ना सम रिजल्ट, एक सम रिजल्ट ख़त्म कर दिया था मैंने, इसको सिर्फ रिजल्ट कर देते हैं, सही है, इसको हम सिर्फ रिजल्ट कर देते हैं, और लास्ट में मैंने क्या किया, रिजल्ट में लाके मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट और जो भी रिजल्ट है वो दिखा दो उसके ऊपर। ठीक है जी, अब अपने ज़रा स्केल पे इसको हम चेक करते हैं कि आया कि ये हमारे स्केल पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा,
कैसे चेक करूंगा इसको मैं? मैंने कहा 100 टोटल मार्क है, सही है, ताकि मेरे लिए आसानी रहे परसेंटेज को करना। तो 100 में से अगर 10 है तो फेल है। अच्छा परसेंटेज भी शो करवा देते हैं ना, इसको कहते हैं परसेंट प्लस ऐसे करके कर दो। हाँ ये बताता हूँ अभी। अच्छा देखो ये अच्छा हुआ ये डिस्कवर नहीं किया ना हमने अभी तक, कर लेते हैं अभी। देखो एक तरीका इसका होता है ये लिखने का कि मैं लिखता पहले परसेंट, ठीक है, प्लस उसमें एक स्पेस डालता परसेंट, और साथ में मैं फेल लिखना चाह रहा हूँ, और प्लस कर देता मैं ऐसे रिजल्ट। एक ये तरीका हो सकता था। एक इसी चीज़ को लिखने का क्लीनर वे है, वो क्लीनर वे क्या कहलाता है? टेम्पलेटिंग कहलाता है, ठीक है। इसको ES6 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इसको हम टेम्पलेटिंग कहते हैं। देखो अब इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सिंपल है और बहुत मज़े का है। आप इसमें जो अपना स्ट्रिंग जो बनाते हैं वो सिंगल कोटेशन से नहीं बनाते, ना डबल कोटेशन से बनाते हैं। आप किससे बनाते हैं? बैकटिक से। बैकटिक आपके कीबोर्ड में कहाँ पर होता है बता सकता है कोई? जी जो वन से पहले वाला है ना, जो अलिफ मद्दा वाला बटन है, उसी में बैकटिक भी होता है, ठीक है। आपको अलिफ मद्दा वाला बटन प्रेस करना है एक दफ़ा और ये दो दफ़ा, तो ये दो अदद बैकटिक आ गए। अब इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिखें, मैंने कहा माई नेम इज मलिक, ये बिल्कुल उसी तरह का, ये बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रिंग है जो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन से बनता है। लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो उसमें नहीं होता। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि इस स्ट्रिंग के दरमियान में कहीं पे भी मुझे कोई वेरिएबल प्रिंट करना है अगर, तो मैं क्या कहता हूँ? डॉलर करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और ये वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। अब इससे क्या होगा, जब ये कोड चलेगा ना तो इतनी चीज़ जो है ये खुद गायब हो जाएगी, इसकी जगह वेरिएबल की करंट वैल्यू आ जाएगी, सही है। थोड़ा सा क्लीन है ये उस वाले से। अच्छा तो इसमें मुझे अब क्या लिखना है? मुझे अब लिखना है परसेंट, और उसके आगे मुझे ये परसेंट लगाना है, और साथ में ऐसे करके मुझे लगाना है फेल, ठीक है। यहाँ पे मैं ये काम कैसे करता? यहाँ पे भी मैं ये काम ऐसे ही करता एक्चुअली, ठीक है। अभी तो इतना शायद फील नहीं हो रहा है क्योंकि छोटी सी वैल्यू है ना, एक दो वैल्यू है। कभी कभी 6-6, 7-7 वेरिएबल्स होते हैं जो कंसेक्यूटिवली हमें लिखना पड़ता है, या कोई बड़ा पैराग्राफ होता है उसके दरमियान में मुझे वेरिएबल्स पुट करने होते हैं, ठीक है। तो पूरा स्ट्रिंग क्लोज करूँ मैं अगर, और क्लोज करके फिर प्लस का ये बट लगाऊँ साइन, और फिर दोबारा उसको ओपन करूँ, तो वो बड़ा मैसी हो जाता है समटाइम, ठीक है। तो दोनों तरीके वैलिड हैं। ये जो बैकटिक वाला तरीका है ये ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो आपको जो भी तरीका बेहतर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई मतलब इसमें दोनों ही सही तरीके हैं, गलत कोई नहीं है दोनों से। तो मैंने इस तरीके से एक स्ट्रिंग बनाकर उसको भेज दिया रिजल्ट वाले के अंदर। अच्छा तो मैंने कहा कि 100 में से क्या हो गया भाई? 20 हो गया, चेक, 20% फेल। अब मैं इस 20 को ऊपर बढ़ाता जाता हूँ, अब मेरे स्केल को भी साथ साथ देखते रहते हैं। मेरे स्केल में 60 से नीचे नीचे क्या है? फेल। तो मैं इसको 59 पे लेके चलता हूँ, 59 पे क्या आना चाहिए? फेल आना चाहिए। अच्छा 60 जैसे ही हो जाए ग्रेड बी, अच्छा 61 ग्रेड बी, 62 ग्रेड बी, 63 ग्रेड बी, अब इसको 68 पे लेके चलते हैं, वहाँ भी ग्रेड बी है, 9 पे भी ग्रेड बी है, 70 जैसे ही हुआ ए हो गया ये, ठीक है। 71 ए है, 74, 79 तक ये ए है, 80 जैसे ही हुआ A1 हो गया, ठीक है। अब ऑल द वे टू द 100 अब ये यही रहेगा, ठीक है। मैंने कहा 90 ले लिया मैंने, 99 ले लिया मैंने, 100 ले लिया मैंने, 100 और 1 ले लिया मैंने, अब क्या होगा? एरर आ गया, 100 में से 100 और 1 आप नहीं ले सकते, वो हमने शुरू में हैंडल किया हुआ था, तो वो वाला एरर आ गया, ठीक है जी। तो ये हमने ग्रेड वाला सॉफ्टवेयर बनाया जो अभी तक हमने AFL सीखा था उसकी मदद से बनाया। अच्छा अब इस पॉइंट पे हमने इसमें नई चीज़ें क्या सीखी हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कितना टाइम है? अभी है 15 मिनट है हमारे पास। हमने आज की क्लास में नई चीज़ एक तो ये सीखी है इफ़ का प्रैक्टिकल इस्तेमाल, कि इफ़ एल्स का जो एक टेक्निक हमारे पास मौजूद है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स,
फंडामेंटल किस चीज़ को कहते हैं, कोई पता बता सकता है? वर्ल्ड बेसिक्स को कहते हैं। जैसे इस बिल्डिंग का जो फंडामेंटल पार्ट है वो एक ब्लॉक है, सीमेंट का एक ब्लॉक है जिससे ये बिल्डिंग अल्टीमेटली तैयार हुई है। तो एक एक ब्लॉक रख के पूरी बिल्डिंग बनी है। तो जो इफ एल्स का जो आपके पास स्टेटमेंट है या इफ एल्स का जो टूल है या जो इफ एल्स की टेक्निक है, ये क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है और इसको फंडामेंटल्स में काउंट किया जाता है। तकरीबन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक मैंने देखी है उसमें ये फंडामेंटल इफ होता है, सही है? जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप ये सीख जाते हैं अच्छी तरीके से, तो जितनी भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप आने वाले वक्तों में पढ़ेंगे उसमें ये तो होता ही होता है, ठीक है? तो हमने उसका प्रैक्टिकल यूज़ देखा है कि भाई वो प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा, हमने आज जो है फॉर्म को प्रॉपर तरीके से, ये वैलिडेशन पढ़ी तो थी हमने पहले लेकिन लगा के सही तरह से देखी नहीं थी, आज हमने वो लगा के देख लिया। फॉर्म को रीलोड प्रिवेंट करने का एक तरीका हमने देखा। अब जितने भी आप ऑनवर्ड्स जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, उसमें जो इनपुट होगा वो फॉर्म में मुझे चाहिए, और उसमें जितनी वैलिडेशन हमने सीखी है वो लगी भी होनी चाहिए, और ये मतलब क्लिक करने पर रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। आप चाहे आप ये वाला तरीका अख्तियार करें, कोई सा भी तरीका अख्तियार करें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, लेकिन वो प्रॉपर चलना चाहिए फॉर्म। अगर मैं गलत वैल्यू दूँ तो उसको वैलिडेट करके बताना चाहिए, ठीक है? मिनिमम मैक्सिमम भी नंबर आप लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नंबर है ना, तो यहाँ पे मैं मिन की लिमिट सेट कर सकता हूँ। मैं कहूँ मिन जीरो, ठीक है? तो जीरो से नीचे पे ये मुझे एरर देगा, ठीक है? मैंने कहा भाई मिन, ये भी एक वैलिडेशन है, हमने पढ़ी थी कि जीरो से नीचे नहीं हो सकता भाई, मिनिमम जीरो है, बल्कि टोटल में तो मिनिमम जो है वो वन से नीचे नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये मैंने लगा दिया। तो इस तरह बहुत सारी वैलिडेशंस हैं। कोशिश कीजिएगा आप आगे आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएं उसमें जिस तरह का इनपुट आपको चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग जो जो वैलिडेशंस HTML5 के फॉर्म में अवेलेबल है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपका हैंड्स ऑन हो। कल को कोई आपका ऐप खोल कर देखे जब आपका असाइनमेंट, तो उसको भी एक फील आए कि अच्छा यार गलत वैल्यू डाली तो वैलिडेट भी कर रहा है, उसको लगेगा यार बड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्जन का सॉफ्टवेयर है। वरना वो अगर गलत वैल्यू डालेगा और कुछ भी नहीं हुआ, कोड फट गया, कंसोल पर रेड कलर का आ गया पूरा, और बोले यार ये एंटर यार ये तो चल ही नहीं रहा, तो एक अच्छी फील नहीं आती उससे, ठीक है? सोफिस्टिकेशन आपको फील होगी जब आप खुद भी वैलिडेट करेंगे। अब जैसे ये वाला सॉफ्टवेयर आप देखें, कोई ज़्यादा कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है लेकिन देखने में सोफिस्टिकेटेड लग रहा है। नीचे डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है, एरर का मैसेज प्रॉपर दे रहा है, रिजल्ट प्रॉपर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे गलत वैल्यू डाल रहा हूँ एरर दे रहा है, यहाँ पे कॉन्सोल मैंने अपने लिए भी कुछ कॉन्सोल लगाया हुआ है कि कहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है? हटा भी सकता हूँ कॉन्सोल, लगा रहने में तो भी कोई मसला नहीं है। तो हमने ये आज एक चीज़ सीखी कि भाई ये फॉर्म को प्रॉपरली फॉर्म से इनपुट कैसे लिया जाए। इनपुट आउटपुट तो पहले भी देख चुके थे लेकिन फॉर्म के जरिए आज हमने सीख लिया। उसके बाद हमने ये सीखा कि इफ के अंदर एक तो होता है ना सीधा सीधा इफ 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 लगा देता हूँ, इसको तो ये सबको चेक करेगा बारी बारी, क्योंकि इस केस में मुझे सबको चेक करवाना ही है। मुझे चेक करवाना है कि टोटल मार्क भी एन ए एन ना हो, ऑप्टेन मार्क भी एन ए एन ना हो, नेगेटिव में टोटल मार्क भी नहीं हो, ऑप्टेन मार्क भी नहीं हो, दोनों को चेक कराना है मुझे, ठीक है? लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे पास चार पाँच छः कंडीशंस होती हैं, तो वो कोई एक ही ट्रू होनी होती है, मुझे पता है। मतलब पूरे स्केल पे मुझे कोई एक ही नंबर मिलेगा ना एक वक्त में, 49 इज अ वन नंबर। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो मैंने एक दो तीन तीन कंडीशन को मैंने क्या किया हुआ, चेन किया हुआ। दिस इज कॉल्ड चेन स्टेटमेंट, चेन इफ स्टेटमेंट। अभी चेन इसको क्यों बोलते हैं कि अगर चेन की अपने को कड़ी से बना हुआ होता है, एक से दूसरी कड़ी मिली हुई होती है, तो अगर एक कड़ी बीच में से टूट जाए तो वो चेन अलग हो जाती है वहाँ से, ठीक है? तो इस वजह से शायद लोगों ने इसको चेन स्टेटमेंट कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अगर कोई एक भी बीच में ट्रू हो गया ना तो ये बाकी नीचे जो बचे हुए उनको चेक नहीं करेगा। अच्छा, ये भी चक्कर क्या है, CPU साइकिल बचाने का चक्कर है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने 20 मार्क्स अगर लिखे हैं तो ये पहला वाला ट्रू हो गया ना भाई। अब मुझे ये बात ऑब्वियसली पता है कि नीचे जितने भी हैं वो ट्रू अप नहीं हो सकते, क्योंकि 20 तो 20 से ऊपर वालों को चेक कर रहा हूँ, नीचे तो मैं नीचे वाले को तो कर ही नहीं रहा। तो इसलिए मैंने अच्छा ये मैंने अपने स्केल पे कहाँ से शुरू किया है, इस तरफ से शुरू किया है। मैं ये चाहता तो मैं इस तरफ से भी शुरू कर सकता था, ठीक है? दोनों ऑप्शन है, दोनों सही है, ठीक है? लेकिन शायद इस पॉइंट पे मुझे लगा कि इस तरफ से शुरू करना चाहिए, तो मैंने इधर से कर लिया। आप उधर से भी कर सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है? उधर से कैसे करेंगे? सबसे पहली कंडीशन क्या होगी इस तरफ से अगर करना चाहूँगा तो? सबसे पहली कंडीशन मेरी होगी कि 79 से बड़ा हो, सही है? 79 से बड़ा हो और मैं दूसरा आगे कुछ नहीं लिखूंगा, ऑल द वे टू द इन्फिनिटी कोई भी नंबर आ जाए,
यही करूँगा ना मैं सबसे पहला कि 70 से बड़ा बड़ा हो, फिर अगला मैं लिखूँगा ये वाला इतना पार्ट, फिर अगला लिखूँगा मैं इतना पार्ट, फिर ये इसको मैं एल्स में डाल दूंगा इस वाले ऑल द वे टू द इन्फिनिटी, इसको मैं एल्स, तो दोनों साइड से कर सकता था मैं, मैंने इस तरफ से शुरू किया, लेकिन मैं उधर से भी करता तो बात वही होती। आखिर में एट द एंड मुझे पूरे स्केल को कवर करना है कि स्केल जो है मेरा नंबर का उस पर कोई भी ऐसा वैल्यू, कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा इनपुट ना रहे जो जिसका मेरे पास जवाब ना हो, मेरे यानी मेरे जो ब्लैक बॉक्स में जब कोई भी नंबर एंटर हो तो दूसरी साइड से कोई ना कोई आउटपुट निकले उसका, तो मैंने पूरी तरह से स्केल को कवर कर लिया। तो ये हमने चेन स्टेटमेंट को ज़रा डिस्कस किया। अच्छा, अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हमने लास्ट से जी हाँ कोड अभी पुश कर दूंगा मैं, ये पुश हो गया कोड, कितना आसान है, बटन दबा दो पुश हो जाता है। ठीक है, ये तरीका सब लोगों को आता है पुश करने का, बस आपकी रिपोजिटरी बनी हुई हो ना, जो भी चेंज करोगे ना, जो कमांड से हम गिट कमिट पुश करते हैं उसकी जगह आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है, इधर यहाँ पे मैसेज लिखना है, मैसेज लिख के ये एंटर करोगे और बटन दबा दोगे पुश हो जाता है, करके देखना, सही है, आसान है, मुश्किल नहीं है। या YouTube से कोई वीडियो देख लेना हाउ टू पुश कोड फ्रॉम VS कोड, ऐसे करके इस तरह। जो सजेशन आ रही थी वो Copilot है GitHub का, पेड नहीं है, है तो फ्री, लेकिन वो अभी ये लगा हुआ है ना, पेड तो नहीं है, वो है तो फ्री अभी तक, मुझे नहीं पता क्या पता पेड कर दें, लेकिन वो प्रीव्यू प्रोग्राम है, और वो मैंने भी जब उसमें साइन अप किया था तो मुझे फ़ौरन नहीं दिया था उन्होंने, तकरीबन कोई एक महीना वेटिंग लिस्ट में था मैं, फिर उसके बाद दिया था। तो आप सब लोग भी साइन अप कर लें, अच्छा आइटम है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी इन्जॉय करता हूँ मैं इसको सम टाइम। तो बहुत सारी ऐसी जो बोरिंग चीज़ें हैं ना, जैसे अभी आपने देखा console.log के मैसेजेस तक मुझे ये लिख कर दे रहा था, परसेंट का पूरा फार्मूला उसने मुझे बना के दे दिया। ठीक है, तो ये ऑटो कम्प्लीट है, GPT-3 के नाम से एलॉन मस्क ने AI बनाई है, उसको यूज़ करता है ये एडवांस किस्म का ऑटो कम्प्लीट है, और ये ऑटो कम्प्लीट देखता कहाँ से है, मेरे कोड में से, और पूरे इंटरनेट के जो कोड पहले लोगों ने लिखा था उसको देखते हुए ये सजेस्ट करता है कि अब आगे क्या लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो सजेशन की हद तक सही है। अच्छा, कभी कभी गलत सजेशन भी देता है, ऐसा नहीं हमेशा सही देता है, सही है, कभी कभी काफ़ी डिस्टर्ब भी करता है मुझे, अब मैं यहाँ कर्सर रखूँ यहाँ पे, अब वो नीचे जो है ना कोड पूरा लिख दे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा ना, देखो कोड आ जाएगा कुछ ना कुछ। सही है, मसला नहीं है ये, इसका आपके इंटेलेक्चुअल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट एक ऑटो कम्प्लीट है, क्योंकि जो सजेस्ट वो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये तो आप ही डिसाइड कर रहे हो ना एट द एंड। सही नहीं कर रहा ना, हर दफ़ा सही नहीं कर रहा, तुम अगर गौर करोगे ना, यही वीडियो दोबारा देखोगे मेरी वीडियो कभी पुरानी कोई, तो उसमें तुम देखना सम टाइम वो जब करता है ना तो मेरी हट जाती है, ये क्या किया इसने, फिर मैं उसको रेस करके पूरा दोबारा से करता हूँ। तो सही भी करता है, गलत भी करता है, एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता ना, AI एक्यूरेट कहाँ से होगा, एक्यूरेसी इसमें 50-60% से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटर्स को, कि भाई ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटर है जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था इस क्लास में, कोई बता सकता है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे हमने, उसमें हमने चार ऑपरेटर्स पढ़े थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। ठीक है, उनमें किसी का कोई इख्तलाफ तो नहीं है, किसी को कोई उसमें शक हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो, उसमें बहुत ही सिंपल थे वो, बॉर्ड मास का वो रूल फॉलो करते हैं, अगर थोड़ी लंबी इक्वेशन होगी तो वो बॉर्ड मास के हिसाब से कैलकुलेट मारते हैं। ठीक है जी, डबल, अब जो हमने ऑपरेटर की ना एक लिस्ट देखी थी,
JS ऑपरेटर्स लिखूंगा ना, एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो इसमें हमने एक लिस्ट देखी थी, ये सारे ऑपरेटर होते हैं इसके अंदर। तो इसमें ना डबल वाला भी है, ट्रिपल वाला भी है, सब है इसमें, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट सब है इसके अंदर। यार वो प्रेसिडेंस वाला, हाँ ये प्रेसिडेंस वाला डॉक्यूमेंट नहीं है ये ना, कोई और आ गया। इसमें भी ऑपरेटर डिस्कस हुए हैं लेकिन वो अलग अलग हुए हैं असल में, ठीक है। वेल तो हमने क्या देखा, ये यहाँ पे ना हमारे पास एक वो बना हुआ है, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसमें जितने भी जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर हैं सब डिस्कस हुए हैं। तो इसका, इस डॉक्यूमेंट का नाम है एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के जितने ऑपरेटर हैं सब डिस्कस हुए हैं। अच्छा वेल तो हम वापस आ जाते हैं अपने पास यहाँ पे, और ये जो मैंने अभी फाइल बनाई है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ब्राउज़र में ओपन भी कर लेता हूँ। अच्छा ये टोटल हम करेंगे कॉन्सोल के ऊपर, क्योंकि हमने जस्ट ये देखना है कि हमारे पास इसका ना आउटपुट क्या है। हमारे पास ऑपरेटर की जो मेन क्लासिफिकेशन है ना वो दो है, एक है यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, और एक है क्या हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स। सब ऑर्डर कंप्लीट कर दो। अच्छा यूनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब ये है, ऐसे ऑपरेटर जिसको एक ऑपरेंड चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे जो प्लस है, एक प्लस एक ऑपरेटर है, उसको कितने ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, दो चाहिए होते हैं ना, वन प्लस वन, तो फिर जाके टू होगा ना, तो इसको दो ऑपरेंड चाहिए। तो क्या ये यूनरी हुआ या बाइनरी हुआ, ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर को क्या चाहिए होता है, टू ऑपरेंड चाहिए होता है, रिक्वायर टू ऑपरेंड्स। और ये जो हमारा यूनरी है ना, रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड। अच्छा तो हम बाइनरी को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाइनरी जितने भी हैं हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मेक सेंस है कि दोनों साइड ऑपरेटर होगा। जैसे हमने जो अभी लेस देन और ग्रेटर देन पढ़ा है, वो कौन सा था, बाइनरी था यूनरी था, बाइनरी था, क्योंकि दोनों साइड उसको चाहिए कि भाई फाइव इज ग्रेटर देन सेवन। ऐसे अगर पूछा जाएगा कि आया कि फाइव ग्रेटर देन है सेवन से या नहीं है, तो वो बोलेगा हाँ या नहीं, ख़त्म बात, ठीक हो गया। तो हम बाइनरी ऑपरेटर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, यूनरी को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अभी यूनरी को भी डिस्कस करते हैं। अब बाइनरी के अंदर ना एक चीज़ और है, एक ऑपरेटर थे मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो हम पढ़ चुके हैं, ग्यारह, एक दो मिनट है ना, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं फिर हम अगली क्लास में बाकी करेंगे। अच्छा बाइनरी ऑपरेटर में ना कुछ मजीद क्लासिफिकेशन है, बाइनरी में अर्थमेटिक भी होते हैं कुछ, कुछ होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, सही है, कंपैरिजन पहले लिखो भाई, सही है, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर लेकर आ गए, सही ऑटो कम्प्लीट कर रहे हैं। और कुछ होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये हमारे पूरे ऑपरेंड की एक रेंज है जो जावास्क्रिप्ट में मौजूद है, ठीक है। अच्छा यूनरी ऑपरेटर ऑन अदर एंड ना बहुत थोड़े से होते हैं, दो या तीन या चार हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्लस प्लस, माइनस माइनस, सिर्फ प्लस, सिर्फ माइनस, नॉट। अच्छा ये हम ज़रा जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते ना उनको हटा देता हूँ मैं, ऐसे जो मेन मेन है बेसिक है वो हम पढ़ेंगे, ज़्यादा हम इधर उधर नहीं होंगे उसके, सही है, इतना पढ़ लें हम काफ़ी है। प्लस प्लस, माइनस माइनस, नॉट और टाइप ऑफ, ये तीन चार पढ़ लें हम तो भी काफ़ी है, ठीक है। इसमें और भी वैसे होते हैं लेकिन वो इतना यूज़ नहीं होते, मेनली बिला वजह कन्फ्यूजन होती है ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से, ठीक है। थोड़ी पढ़ें लेकिन अच्छे से हम पढ़ें उसको। अच्छा
अब अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस, इनका तो आपको पता है रिजल्ट क्या आता है। अगर प्लस है तो दोनों का सम आएगा या तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, माइनस है तो दोनों का डिफरेंस आएगा कि भाई 5 - 5 तो 0 हो गया, 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का भी पता है, डिवाइड का भी पता है, मॉड्यूलस का याद है या बोलिए मॉड्यूलस क्या लाता है? अगर मैं बोलूँगा 10 - 2 तो क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा 10 को डिवाइड मारेगा 2 से और जो रिमाइंडर बचेगा ना उसका वो ला के देगा मुझे, डिवीजन का रिजल्ट नहीं दे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, 10 / 2 पूरा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि इसका बिहेवियर तो बहुत अच्छे से आप लोग पहले ही जानते हैं। उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन, जो भी मुझे इसका नाम नहीं सही पता है कि कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है, ठीक है, मैं तो उसको वो पल्लों से समझता हूँ कि जिधर वाला बड़ा है उस तरफ वाला शायद ये बड़ा करवाना चाह रहा है, ठीक है, वो मैं आप लोगों से शेयर भी कर चुका हूँ ट्रिक वो। अच्छा, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, फिर इक्वालिटी ऑपरेटर दो तरह के हैं, डबल इक्वल्स टू एक ट्रिपल इक्वल्स टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। एक चीज़ आप हमेशा समझ लें कि कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो बूलियन होगा, ठीक है। ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं इसका जवाब हाँ या नहीं में होगा, कोई दूसरी बात ये नहीं बोलेगा, ट्रू या फॉल्स। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को बोला कि भाई 5 > 7 आया कि 5 > है 7 के या नहीं है, तो ये ट्रू बोलेगा या तो फॉल्स बोलेगा। इसका जो रिटर्न वैल्यू होगी ना, और प्लस में क्या होता था, दोनों का सम होता था, इसमें दोनों को मिला के वो देखेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कुछ दिमाग लगाएगा और या तो ट्रू दे देगा या तो फॉल्स दे देगा। इसी तरीके से अगर मैंने बोला कि अगर 5 = 5 है अगर, तो ये भी मुझे ट्रू या फॉल्स देगा, या अगर मैं बोलूँगा आया कि 5 > 5 है या नहीं है, तो भी मुझे ये ट्रू या फॉल्स देगा, कोई तीसरी वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। ये दो ही पॉसिबिलिटी है हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर में, मुझे हमेशा ट्रू या फॉल्स मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसका भी मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट हमेशा बूलियन में मिलेगा, ठीक है। बूलियन के अलावा लॉजिकल ऑपरेटर कोई दूसरी चीज़ रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर की अच्छी बात यह है कि इसका इनपुट भी बूलियन चाहिए होता है इसको, ठीक है। इसमें तो इनपुट जो है वो क्या है, कोई नंबर हो सकता है ना, इनपुट क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा या कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, सही है ना। मैं एक स्ट्रिंग को भी तो कंपैरिजन करा सकता हूँ ना कि भाई पाकिस्तान इक्वल्स है पाकिस्तान क्या नहीं है। एक पाकिस्तान मैंने हार्ड कोडेड लिख दिया, एक मैंने यूज़र से ले लिया कि भाई यूज़र ने जो पाकिस्तान लिखा और मेरे पास जो था क्या वो सेम, बिल्कुल पासवर्ड मैच कराने वाली जैसे आप ले लो मिसाल। तो इसमें जो इनपुट होगा ना, यानी ऑपरेंड्स होंगे, जो इनपुट नहीं ऑपरेंड्स जो होंगे इसके, वो नंबर भी हो सकता है स्ट्रिंग भी हो सकता है बूलियन भी हो सकता है कभी, ठीक है, सभी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है इसका ऑपरेंड। आउटपुट लेकिन इसका हमेशा क्या होगा, बूलियन ही होगा। अच्छा, ये जो मेरे लॉजिकल ऑपरेटर हैं इसको अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, अगली क्लास में हम इसको चला के भी देखेंगे कि ये चलता कैसे। इसका जो इनपुट है वो क्या होगा, बूलियन होगा, और आउटपुट भी इसका क्या होगा, बूलियन होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर इसको इनपुट में मैंने बूलियन नहीं दिया तो ये क्या करेगा, तो ये उसको पार्स करेगा बूलियन में। अगर मैंने -5 दिया इसको तो -5 ट्रू है या फॉल्स है, अगर पार्स करेगा इसको ये, क्योंकि मैं कह रहा हूँ पार्स करेगा, ट्रू है -5 ट्रू है, क्योंकि फॉल्सी वैल्यूज तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 वैल्यूज हैं फॉल्सी हैं वो, बाकी सब ट्रू है। तो अगर इसको इनपुट में ना लॉजिकल ऑपरेटर को अगर मिला 5 तो उसको ये ऑटोमेटिक पार्स करेगा ट्रू में, क्योंकि बूलियन के अलावा कोई इनपुट इसको समझ में आता नहीं है तो पहले पार्स करेगा ये। अच्छा, इसी तरीके से जो इफ़ की जो ब्रैकेट हुआ करती थी, जो कंडीशन जिसमें हम देते हैं, उस ब्रैकेट में क्या चाहिए होता है उसको, ट्रू या फॉल्स। अगर उसको ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ और मिला तो क्या करता है वो, उसको पार्स करता है वो, क्योंकि उसको ट्रू फॉल्स के अलावा समझ में आती नहीं है कोई और बात, तो वो बोलता है चलो कुछ भी है ना, चलो इसको अभी पार्स करो। पार्स करने में अगर तो वो फॉल्सी वैल्यू में है तो वो फॉल्स है, फॉल्सी के अलावा कुछ भी है सब ट्रू है। तो ये हमने ऑपरेटर्स के जो है ना थोड़े से वो देख लिया कि हमारे पास जो टोटल रेंज है ऑपरेटर्स की जावास्क्रिप्ट में वो क्या है।
तो इन सारी रेंज को इंशाल्लाह हम कल जो है ना चला चला के देखेंगे, एक एक इनमें से ऑपरेटर का बिहेवियर अच्छी तरह चेक करेंगे, और फिर हम एक और इफ एल्स वाला जो है ना एक और हम सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे जिसमें इनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, या मे बी जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हमने आज बनाया है उसमें इनमें से कुछ ऑपरेटर डाल के उसको थोड़ा कोड उसका क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात रहेगी फिर अगली क्लास में, अभी के लिए आप कोई इजाज़त है। और असाइनमेंट जो है ना वो व्हाट्सएप में सोच के मैं डाल दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप में ना असाइनमेंट आपका डाल दूंगा कि आज का असाइनमेंट क्या है, आपका क्लास वर्क जो होमवर्क। हाँ ये तो अपने हाथ से लिख ही लेना, वो तो ज़रूरी है ना यार, क्योंकि देखा है तुमने तो लिख भी लोगे तो हाथ सेट हो जाएगा, ये तो अपने हाथ से लिखना है इसको देख कर। ठीक है, या बगैर देखे लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। वेल कुछ ना कुछ मैं एक छोटा सा असाइनमेंट और भी देना चाह रहा हूँ आज की क्लास में, तो वो अभी तो जल्दी निकल जाओ, रात हो रही है, हालात का कुछ पता नहीं है, तो वो व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं डाल दूँगा। चलो, ठीक है।